गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर न्यू ब्लॉग फ्रॉम तुनिशा कंट्री। 6 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली इस जरबा आइलैंड को मैं छोड़ने जा रहा हूँ और अब मैं ट्रैवल करूँगा तुनिशा कंट्री का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस या स्टेट जिसको तातवीन यानी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तुनिशिया बोलते हैं। ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। आज सुबह के 6:30 बज चुके हैं और ये रहा गारे यानी लुआज स्टेशन इस जरबा आइलैंड का, जहाँ पे इस तरह की जो बसेस आप देख रहे हो इसको लेके मैं पहुँचूँगा तातवीन। टिकट मैंने ऑलरेडी यहाँ से परचेस कर लिया यार, और टिकट का जो प्राइस था वो है 12 दिनार 300 रुपीज़ मैंने पे किया है। और टाइम डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो 3 घंटे की ड्राइव है, 2 से 3 घंटे। सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर टाउन भी बोला जाता है, खासकर अल्जीरिया और लीबिया के लिए। अगर आप देखोगे इकलौता ऐसा प्रोविंस जहां से आप अल्जीरिया और लीबिया दोनों कंट्री में बाय रोड अगर आप जाना चाहो, अगर आपके पास ऑथराइजेशन वीजा और ये सारे अप्रूवल्स हैं तो आप जा सकते हो। मेरा अभी कुछ भी प्लान नहीं है, ना कोई होस्टिंग है, तो प्लान अभी सब कुछ फेल हो जा रहा है जब से मैं तुनिशिया आया हूँ। सो गाइज फाइनली वेलकम टू तातवीन। गाड़ी तो कहीं और उतारी है तो वहाँ से वापस एक टैक्सी किया हूँ और उस टैक्सी में एक भाई साहब थे जो मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं यार। नो नो तो ये रहे वो सर जो काफ़ी मेरी मदद कर रहे हैं यार। ये पूरा जरबा से चल के आए थे मेरे साथ तातवीन तक, फिर वहाँ से वापस एक टैक्सी हमने चेंज की और टैक्सी चेंज करने के बाद थोड़ा हमने वॉक किया और मेरा लगेज अभी भी आप मेरे पास देख रहे हो। अब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट चिनिनी के लिए कोई अगर लुआज मुझे मिल जाए तो मैं ट्रैवल कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी वाले सिर्फ जा रहे हैं। और ये रही यहाँ की तातवीन की सेंट्रा विला, जो मेन सिटी सेंटर है ना वहाँ की लुआज स्टेशन। और फाइनली मुझे लुआज शिनिनी के लिए मिली गई। एज यूजुअल जैसे पूरे तुनिशा कंट्री में है, लुआज जब तक भरेगी नहीं तब तक हम आगे कंटिन्यू जर्नी नहीं करेंगे। तो ये रही अपनी वो लुआज जिसमें मैं बैठ गया हूँ। आगे ऑलरेडी 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग इधर बैठे हैं, 1 सीट ये खाली है, 2 सीट ये, मैं सबसे पीछे। तो 3 × 6 = 8 लोगों की सीट है इस लुआज के अंदर। फाइनली वेलकम टू सिनिनी, पूरे तुनिशा कंट्री का सबसे डेजर्ट टाउन और प्रोविंस या स्टेट। तातवीन से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके फाइनली इस लुआज से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो लुआज वाले भाई साहब ने आई थिंक अपने को 2.5 दिनार चार्ज किया। तो इसको एक रियून बर्बर विलेज बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 12th century से भी पुराना हिस्ट्री रखता है, जिसके लिए मैं जरबा आइलैंड से सुबह से निकला था यार। और वो था ये स्पेशल प्लेस, वीरान सुनसान मुझे नज़र आ रहा है, रीज़न ड्यू टू रमदान। अब मेरे पास यहाँ पे ना कोई होस्टिंग है ना कुछ और चीज़ें, और ये अपना बैग। अब दिक्कत ये है कि जो मैंने आपको बोला था कि पूरे शिनिनी में इकलौता सिर्फ एक होटल मुझे पता चला है, जो कि है जिसका नाम है आई थिंक होटल कांजा। और वो होटल कांजा जो है वो भी भाई काफ़ी ऊपर है, आई थिंक वो इतना ऊपर है कि मुझे यहाँ से लेके ऑल द वे वॉक करना पड़ेगा। अब वहाँ तक जाऊँगा कैसे, क्योंकि नीचे कोई गाड़ी कोई टैक्सी तो मुझे नज़र आ नहीं रही। यहाँ पे आई थिंक सब कुछ बाई फुट ही होने वाला है। ये मेरा होटल जिस पे मैं एक्चुअली रुका हुआ हूँ, केंजा होटल। तो ये है एक्चुअली सबसे ऊपर का छोर, और उसके लिए भी इन्होंने पीछे से एक गेट दिया हुआ है। बट इसी प्रॉपर्टी पे यानी इस गुरफा में अगर मैं अंदर से आना चाहूँ तो वो नीचे से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि है 1st फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर, फिर 4th फ्लोर, फिर 5th फ्लोर, फिर 6th फ्लोर, फिर 7th फ्लोर, और 8th फ्लोर पर जाके ये गेट बनाया हुआ। ये रहा छोटा सा एंट्री गेट इस होटल का, जहाँ पर मैं एक्चुअली गाइस रुकने वाला हूँ। यहाँ से लेके डाउन पार्ट तक ये पूरा होटल है, और व्यू आप देखिए यहाँ से अल्टीमेट व्यू है। प्राइस जो इन्होंने मुझे बताया था वो तो भाई हार्ट अटैक आने वाला प्राइस था ऐसा मुझे लग रहा है, बट काफ़ी हमारी बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ, और फाइनली मुझे ये 50 दिनार में हमारी बातें हुई हैं। 1500 Indian rupees के आसपास हुआ ये। तो 1500 रुपये में डिनर, स्लीपिंग और ब्रेकफास्ट, अच्छी डील है, वो भी खासकर अगर इस तरह का आपको कोई डेजर्ट विलेज में इस तरह का पैनारोमिक व्यू अगर मिलने को देखने को मिलता है। लेट्स गो। स्मॉल स्मॉल ओके। तो भाई जो इसकी एंट्री है वो काफी खतरनाक है। अब ये इतना बड़ा बैग लेके आप ये देखिए, तो इसको
इंटर करते ही लग रहा है कि मैं गुफा केव में घुस रहा हूँ गाइस। वाह, और लाइट वगैरह भी देखिए कैसे यूनिक तरीके से बना हुआ है। ये तो मेरा बैग घुस ही नहीं पाएगा। पूरी ये तो भूल भुलैया लग रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गुम हो जाऊंगा। तो काफी कोजी है ये पूरा का पूरा अपना केव हाउस यानी रूम जिसपे मैं रुकने वाला हूँ। बेडिंग जो है वो काफी छोटा है, अगर आप देखोगे ये देखिए सिर्फ एक पर्सन के सोने के हिसाब से है, यानी इतना छोटा सा बेड है, जैसे रेलवे स्टेशन पे बेड होता है उसका फील मुझे आज आने वाला है। बट एटलीस्ट ये देखिए पूरा काफ़ी ठंडा है, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सारे अपने जैकेट वगैरह निकाल दिए। बट अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसको मैं टच कर रहा हूँ तो भी काफ़ी ज़्यादा गल रहा है, और वाइट कलर से पूरे इस केव की पेंटिंग की गई है। अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये पूरा एक्चुअली सोचिए पत्थर है, पूरा का पूरा चट्टान, उस चट्टान को काट के इन्होंने इस तरह से जो केव नुमा घर होता है या बिल्डिंगें होती है उसको इन्होंने तराशने की कोशिश की है। बाकी ये रहा अपना बेडिंग, और नीचे इन्होंने थोड़ा सा मैट वगैरह लगा दिया हुआ है ताकि एक एंटिक लुक दिखे इस रूम का। तो इसको फैमिली रूम आप बोल सकते हो। ये यहाँ पे देखिए एक सिंगल बेड है ये, फिर इधर आप आएंगे तो ये रहा मास्टर बेडरूम, यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है, फ़ोन वगैरह भी है नीचे इन्फॉर्म करने के लिए, और ये खिड़कियाँ हैं एक्चुअली। ये आप देखिए यहाँ से पूरा शहर का व्यू आपको दिख जाएगा के नीचे। ये रहा लिविंग रूम और बेडरूम भी इसको आप बोल सकते हो। तो एक सिंगल बेड ये और एक सिंगल बेड ये, टॉयलेट ऊपर, इसको भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया, और वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट, टिश्यू पेपर, बाकी स्प्रिंकल अभी नहाने के लिए, बाकी ये रहा सोप, ये रहा सीसा, टिश्यू पेपर, इधर कुछ हैंड सोप शैम्पू, और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं अलग अलग। तो घोरफा का मतलब हुआ अरबिक लैंग्वेज में गाइस रूम, यानी कासर भी जिसको ये लोग बोलते हैं कसर, या फोर्टिफाइड ग्रेनरी जो कि एक बर्बर फैमिली के द्वारा यूज़ किए जाने वाला एरिया यानी घर, केव नुमा घर इस तरह के पहाड़ों में, खासकर हिल टॉप पे जहाँ पे वो अपने अनाजों को यानी ग्रेन्स को छुपाया करते थे। ये मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होता है, एक से लेके चार स्टोरी तक हो सकती है यानी चार फ्लोर तक। बट जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हुआ हूँ ये तो एक्चुअली अभी होटल में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये ऑलमोस्ट 7 फ्लोर यानी 7 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। इन सब एरियाज में रहने वाले लोग, अभी जो न्यू शिनिनी है ना, जो कि डाउन पार्ट ऑफ शिनिनी बोला जाता है, वहाँ पे लोग जा चुके हैं, वहाँ पे रहते हैं। बट आज भी ऐसा बोला जाता है कि इस एरिया में रहने वाली बर्बर फैमिली अपने अनाजों को आज के टाइम पे भी इस तरह के वॉल्टेड रूम के अंदर, यानी जो फोर्टिफाइड ग्रेनरीज हैं, घोरफा एक्चुअली, उसमें आज भी अपने अनाजों को रखते हैं। तो ये कल्चर आज भी फॉलो किया जा रहा है, काफ़ी एंशियन टाइम से, यानी 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी से सोचे कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो तुनिशिया कंट्री का जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक के बाकी शहरों का रहा, उससे टोटली अपोजिट एक्सपीरियंस ये है गाइस। मतलब यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ का क्लाइमेट है वो चेंज हो गया, यहाँ का जो लैंडस्केप है वो टोटली चेंज हो गया है। अभी तक आपने मेरे वीडियोस में सिटी को देखा होगा, बट अब देखिए यहाँ पे पूरा डीप डेजर्ट, जो तुनिशिया कंट्री जिसके लिए जाना जाता है, यानी आपको माउंटेन भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, इस तरह से टिपिकल ऑथेंटिक बर्बर लाइफ भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। यार जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ पूरी काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक अलग ही वाइब्स, अलग ही तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। अगर आप गूगल पे पिक्चर, वीडियो या कुछ भी सर्च करना चाहोगे, सबसे पहले आपको दिखेगा ये ग्रैंड मॉस्क, जो कि पूरा वाइट कलर का बिल्डिंग और टॉम नुमा सर्कल इसको बनाया गया है। ये कोई कैफ़े है जहाँ पे लिखा हुआ है जोन वाईफाई, यहाँ पे आई थिंक वाईफाई एक्सेस करने का मौका मुझे मिल सकता है, और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, तो देखते हैं क्या अपने को यहाँ पे मिल सकता है। मॉस्क में गाइज आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले कुछ खाते पीते हैं।
और ये रहा प्रॉपर्टी का लुक, और टावर लगा हुआ है। और उससे पहले एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि ये आप देखिए 1:08 और अब जाके मेरा नेटवर्क आया है, वरना यहाँ पे मेरा नेटवर्क भी चला गया था। यानी जैसे ही मैं इस अपर पार्ट ऑफ चिनिनी यानी ओल्ड चिनिनी के ऊपर आया हूँ, मेरा फ़ोन का नेटवर्क गायब हो गया। पर टावर तो लगा हुआ है, फिर भी नेटवर्क आ और जा रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए कुछ हिसाब किताब रख करते हैं। तो ये है होटल और रेस्टोरेंट या कैफ़े, जो भी इसको आप बोलना चाहो। काफ़ी एंड समथिंग टू ईट। वेट, व्हाट यू हैव? ओके, दिस इज स्वीट? नो, दिस इज स्वीट। वाईफाई यहाँ पे है इस रेस्टोरेंट में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आप सोचिए, राउटर आई थिंक इन्होंने लगाया हुआ है, तो उस राउटर की वजह से वाईफाई फ़ोन में कनेक्ट हो गया, वरना नेटवर्क तो मेरा आ जा रहा है और वाईफाई ठीक ठाक चल रहा है। बाकी ये काफ़ी एंटिक शॉप नज़र आ रही है। वैसे पूरा का पूरा एक कैफ़े का लुक है और कॉफ़ी मशीन है। बाकी सारे आइटम भाई यहाँ पे मौजूद हैं। ये जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, पूरा का पूरा फ्रीज है, बाकी की चीज़ें हैं, सिगरेट वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है। तंबाकू तो नहीं दिख रहा बट सिगरेट है यहाँ पे। वाईफाई का पासवर्ड भी भाई वो पड़ा हुआ है, अगर आपको एक्सेस करना है। बाकी ये रहे कुछ चिप्स, ये रहे कुछ बेकरी वाले आइटम्स, खासकर पफ वगैरह। ये मुझे एक एक दिनार का बता रहे हैं, तो ये और बाकी 4 दिनार का ये चिप्स। तो मैंने ले लिया भाई 2 ये अभी खाने के लिए, और 1 चिप्स और 1 मिल्क वाली कॉफ़ी। तो टोटल 9 दिनार मेरा प्राइस बनता है, तो 250 से 300 रुपीज़ के बराबर हुआ। ये पार्ट ये है कि यहाँ से जो व्यू है ना इस पूरे चिनिनी शहर का, अल्टीमेट आपको मिलेगा। बाहर भी इन्होंने काफ़ी बड़ा है, इधर भी इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी रखा हुआ है, तो इस तरह से सीट वगैरह है। अगर आपको इस पूरे शहर का व्यू लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी ये रहा मॉस्क, और मॉस्क के आगे के कुछ सुवेनियर की दुकानें यानी आर्टिजाना एरिया, जहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ी देर में लेके चलने वाला हूँ। बाकी ये आई थिंक पूरे चिनिनी के लिए वाटर टैंक है, जहाँ से पानी की सप्लाई बाकी के इन घरों में यानी जो भी फैमिली यहाँ पे रह रही है उनके लिए सप्लाई होता है। तो ये रहा चिनिनी कैफ़े, जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना खाने की कोशिश की। और उस कैफ़े में काम करने वाले ये मेरे दोस्त, जिनका नाम है स्लिमेन, जो कि आज के दिन के लिए इस चिनिनी गाँव को मुझे विजिट कराने वाले हैं, एक तरह से टूर गाइड ये मेरे बन चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा सा पैसे दे देना और फिर मैं आपको घुमा दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज ये चिनिनी विलेज मैं आपके साथ ही घूमने वाला हूँ, लेट्स गो। ओके, तो ये है एक्चुअली पूरा मॉस्क यार, यानी ग्रैंड मॉस्क ऑफ चिनिनी, काफ़ी बड़ा है और ऑफकोर्स हॉली प्लेस है इस पूरे बर्बर विलेज के लिए। एंड ये छोटी सी दुकान है, आई थिंक पूरी की पूरी सोवेनियर्स की दुकान भरी पड़ी है, और इसमें भी अलग अलग दुकानें, ये देखिए गोखा जैसे होता है, 1, 2, 3 ये पूरा बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया इस पूरे शॉप के अंदर। तो वैसे तो ऑलरेडी ये आर्टिजाना शॉप है, यानी मोस्टली सोवेनियर्स की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा शाम के वक्त वापस इसको विजिट करने के लिए, ताकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ से ले सकूँ अगर आपको लेना है तो, खासकर जैसे मैग्नेट हो गए, ये बाकी इस तरह की केयरिंग्स वगैरह हो गई, चप्पल, जूते, कारपेट, मैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो दिस इज ओके, विलेज चिनिनी विलेज। तो ये देखिए भाई, यहाँ के दरवाजे एंटिक पीसे दरवाजे भी आपको मिलेंगे, पुराने जमाने की ये खिड़कियाँ दरवाजे हैं, लकड़ी पूरा पूरा वुड। और ये इसका लॉकिंग सिस्टम देखिए, ये एक्चुअली ताला है, आप देखना इसको खोलने का तरीका भी, तो ये पूरी तरीके से लॉक है। और साफ सफाई के लिए भी देखिए अच्छे तरीके से इसको डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल करके रखा हुआ है इन्होंने। तो ये देखिए पहले के टाइम पे कासर कैसे हुआ करता था, तो ये उसका लुक है। तो इसको एक्चुअली बोलते हैं घोरफा। तो ये देखिए अलग अलग, ये पूरा एक्चुअली पहाड़ी है, उस पहाड़ को काट के तराश के इन्होंने छोटे छोटे रूम, अलग अलग खांचे बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए कि गेहूँ यहाँ पे रख दिया, चावल यहाँ पे रख दिया, कुछ सामान उधर रख दिया। और ये देखिए ये अलग अलग तिजोरियाँ हैं, ये एक्चुअली छोटी छोटी ये तिजोरियाँ, इसमें भी देखिए ये भूसा वगैरह भी रखा हुआ है, बट ये काफ़ी बड़ा है। अगर इसको मैं पूरा गड्ढा करता जाऊंगा तो ये देखिए पूरा ये डीप डाउन तक है। और सेम चीज़ अब ये फर्स्ट फ्लोर, इधर ऊपर आप देखिए, वाह, अब ये वाला एरिया अलग से है। तो इसमें भी अंदर तक अनाज को स्टोर किया जाता था,
और कभी कभी, अभी तो ये खोल के इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि ये अभी यूज नहीं हो रहा है, वरना जब इनको धूप देनी होती थी, अगर इस पूरे एरिया में अनाज को बाहर ना निकालना हो तो धूप देने के लिए इसको खोल दिया करते थे, और बारिश पानी ना आए इसलिए वजह से इसको ढक दिया करते थे। शिनिनी जो है अभी दो हिस्सों में बट चुका है, ओल्ड शिनिनी और न्यू शिनिनी। तो ओल्ड शिनिनी ये पूरा एरिया था, यानी कासर। 500 बर्बर फार्मर अभी भी शिनिनी में रहते हैं, इंक्लूडिंग 125 फैमिली आज के भी टाइम पे इस बर्बर विलेज शिनिनी में रह रहे हैं, यानी 125 फैमिली। अभी सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, बट उन फैमिलीज के कुछ लोग अभी भी अपने अनाजों को यहाँ पे लाके रखते हैं, छुपाते हैं या स्टोर करते हैं, और कुछ फैमिली अभी भी ऊपर रह रहे हैं। वाह, ओह वाह गाइस, अब ये देखिए अलग अलग लेयर है। अब सोचिए पूरा पत्थर, इसको मिट्टी से कैसे इन्होंने तराशा हुआ है, पत्थर है, पत्थर को काटने के बाद मिट्टी से इसको लेप के अलग अलग लेयर में इन्होंने बनाया हुआ है। वाह, अब ये आई थिंक ये हौदा वगैरह जैसे होता है ना, इसमें भी अनाज को स्टोर किया जाता था। अभी तो ये टूटा फूटा पड़ा है क्योंकि इसका कोई यूज़ है नहीं, बट पहले के टाइम पे ये देखिए पूरा काला। आई थिंक यहाँ पे पकाने वगैरह का भी काम होता होगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पत्थर काला हुआ पड़ा हुआ है। बट अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, ये एक अलग ही लेवल की है। और बीच बीच में देखिए इसको लॉक करने के लिए अलग अलग से ये रस्सियों का खुंडी ये बना के रखते थे पहले के टाइम पे। अब ये देखिए फिर से एक छोटा सा ये इन्होंने इसको बना के रखा हुआ काट के, तो इसमें भी कुछ चीज़ें ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये दूसरा एरिया है उसी घोरफे का, तो अलग अलग मतलब छोटे छोटे रूम, और ये है मेन दरवाज़ा। तो यानी इस घर का मेन दरवाज़ा जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहा, बट ये किसी फैमिली का है जो फैमिली यहाँ पे अभी रह रही है, तो उन्होंने इसको लॉक करने की कोशिश की है। बट कभी कभी ओह वाह, तो ये भाई साहब ने देखिए दरवाज़ा पूरा खोल दिया, बट ये दरवाज़ा अभी काम कर नहीं रहा है क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ है। बट इसको अभी भी क्योंकि कुछ टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उसके लिए इन्होंने ऐसे बंद करके रखा हुआ है। स्टार वॉर्स मूवी के अलग अलग एपिसोड्स जो शूट हुए हैं ये पूरे इस तत्वीन रीजन में हुए हैं, अलग अलग लोकेशन पे। खासकर उसमें जो घर यूज़ किया गया है, जो कासर यूज़ किया गया था, जो लैंडस्केप यूज़ किया गया था, वो इस तरह के लैंडस्केप को यूज़ किया गया है। मैंने तो नहीं देखा है, आप में से किसी ने भी अगर स्टार वॉर्स देखा होगा, अगर आप उसके फ़ैन हैं तो आप एक्चुअल फील कर पाएंगे इस लोकेशन पे आने के बाद। ये आप देखिए ये सेम पूरा का पूरा हूबहू, यानी सनराइज सनसेट जो मून का वो फील दिखाया गया था उस स्टार वॉर्स मूवीज़ में उनके एपिसोड्स में, वो यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इसको टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप किया जाने लगा, काफ़ी लोग आना स्टार्ट किए। बट बाद में तुनिशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था और कुछ टेररिज्म अटैक वगैरह हुए, उससे फिर से टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। बट इन सब के अलावा भी जो एक्चुअल चार्म है इस प्लेस का ना, इस पूरे बर्बर विलेज का, ये आप सोचिए काफ़ी पुराना है। और ये पूरा शिनिनी जो एरिया आप देख रहे हो तत्विन रीजन का, ये 12th सेंचुरी में एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क माना जाता था, खासकर कारवां के लिए। मौरतानिया में मैं आपको शिंगटी विलेज लेके गया था, जो कि एंशियंट विलेज माना जाता है ऑलमोस्ट 12th और 10th सेंचुरी के टाइम पे। सेम चीज़ मोरक्को में जहाँ पे मैं आपको लेके गया एत बिन होदौ, जो कि एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। और फाइनली इस तुनिशिया कंट्री का ये जो प्लेस है शिनिनी। तो ये सारे अगर आप देखोगे तो पूरे ये ट्रेडिंग रूट हुआ करते थे, खासकर उस वक्त जब मेडिटेरियन सी को यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से पूरा जो कारवान चलता था वो इन सब रूट को क्रॉस करके आगे बढ़ता था। तो उस टाइम पे ये एक ऐसा गढ़ था जहाँ पे ये जो पूरी की पूरी बर्बर फैमिली है या बर्बर कम्युनिटी नॉर्थ अफ्रीका की, वो यहाँ पे आके रहना स्टार्ट की, खासकर इस एरिया में अपने बचे हुए अनाजों को, सामान को छुपाना, और उसके बाद बाकी की जो कॉलोनाइजेशन वाला पार्ट रहा, हिस्सा रहा, उससे अपने आप को दूर करना। ये एक सबसे मेन रीज़न था इस प्लेस पे इस्टेब्लिशमेंट का। काफ़ी बड़े बड़े पॉट हैं, तो इसको आप बोल सकते हो कि कंटेनर्स मिट्टी के हैं सारे, जिसमें एक्चुअल अनाज को रखा जाता था और आज भी रखा जाता है, कुछ फैमिली आज भी इसमें स्टोर करके रखती है। अब ये देखिए ये एक फ्लोर, अभी इसके नीचे ये, इधर छोटा सा ये, और अगर मैं इसके ऊपर चढ़ूँ
तो ये वाह। कुछ लोगों ने ये अपना डेट्स वगैरह, ये रही यहाँ की मिर्ची जो सबसे तीखी है, हरीसा में यूज की जाती है, तो इसको भी यहाँ पे सुखाने के लिए रखा गया है। लेट्स गो। तो अभी क्या हुआ कि जब से टूरिस्ट वगैरह आना स्टार्ट किए तो इन्होंने इसको इस तरह से काफ़ी पत्थर वगैरह को तरास के प्रॉपर वॉकिंग ट्रेल बना दिया हुआ है, और साइड बाय साइड एक वॉल क्रिएट कर दिया ताकि कोई बाहर नीचे ना गिरे। ओ शंभरे, या वी विल गो दिस, ओके वेयर फ्रॉम डाउन, ओके ओके। भाई ये देखिए कितने छोटे छोटे जंगले हैं, घर हैं, ये सारे देखो आप। वाओ गाइस, आई थिंक इस तरह का आर्किटेक्चर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा गाइस। मतलब घर देखे हैं, पुराने घर देखे हैं, मिट्टी के घर देखे हैं, पत्थरों के घर देखे हैं, और पेड़ों पे घर देखे हैं, पहाड़ों पे घर देखे हैं, चट्टानों पे घर देखे हैं, बर्फ में देखे हैं, बट इस तरह के घर जो इस तरह की कासर और इस तरह की स्ट्रक्चर गुफाओं के अंदर मैंने नहीं देखे थे। ये एक अलग ही लेवल का आर्किटेक्चर है मैं बोल सकता हूँ गाइस। अब ये भाई साहब हमारे दोस्त और गाइड तो बन गए, बट दिक्कत ये है कि इनको सिर्फ अरबिक आती है और मुझे ना अरबिक आती ना फ्रेंच आती, और इंग्लिश इनको आती नहीं, तो हमारा कम्युनिकेशन तो हो नहीं पा रहा है। बट भाई साहब मुझे रास्ता ज़रूर दिखा रहे हैं कहाँ कैसे जाना है। अब ये देखिए ये अलग अलग, वैसे तो आज के टाइम पे ये पूरा खंडहर है गाइस, आप इसको देख के खुद फील कर सकते हो, बट आप ये सोचिए कि ये जो लेआउट है ना, इसको अभी थोड़ा सा रिनोवेट करने की कोशिश की गई है, बट पहले के टाइम पे आप सोचिए, एंशियंट टाइम पे 10th century 11th century में वाकई ये हूबहू ऐसा का ऐसा ही था। इसको ओके। इस तरह की डिजाइनिंग, इस तरह की पूरी कार्विंग करना कितना अपने आप में यूनिकनेस है गाइस। आप देखिए ये दरवाज़ा इन्होंने लगाया हुआ है लकड़ी का, थोड़ा सा इसको सीमेंटेड करने की कोशिश की है, अलग अलग जंगले, अलग अलग दरवाजे, अलग अलग गौखे, और उसके नीचे भी अलग अलग दरवाजे। अब आप सोचिए इसके अंदर काट काट के किस तरह से इन्होंने अलग अलग होल करके बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इन सब चीज़ों को बनाने में, बट आज के टाइम पर पूरा ये एरिया आप देखो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ से पूरा पैनारोमिक व्यू, ये सब घर अभी इस सब में, किसी भी घर में इन वाले एरियाज़ में यानी इस ओल्ड शिनिनी में कोई नहीं रहता, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से कुछ पत्थर टूटना स्टार्ट किए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। इवन अनाज वगैरह को भी, जो भी उनके ग्रेन्स हैं उसको अब ये ज़्यादातर लोग उतना नहीं रखते हैं जितना पहले इसको यूज़ किया करते थे, रखते थे। पुराने ज़माने के ये टोकरियाँ हैं एक्चुअली, पूरी घास की बनी है, ये दरवाज़ा लकड़ी का, ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें अनाज को स्टोर किया जाता था, आज भी रखें, टीन वगैरह भी पड़ा हुआ है। बाकी ये काफ़ी एंटिक पीसेस हैं और काफ़ी पुराने टाइम से पड़े हुए हैं, और अभी भी आप देखिए यहाँ पे अलग अलग लेयर है, और क्या डिज़ाइनिंग, मतलब आप खुद सोचिए गाइस किस तरीके से इसको बनाया गया है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि कैसे इसकी कार्विंग, पूरी क्राविंग की गई होगी उस टाइम पर। आई थिंक ये वाला जो गोरफा होगा सबसे एंटिक होगा गाइस। अब आप सोचिए मैं वहाँ से चढ़ के आ रहा हूँ, और ये देखिए लोगों ने कहाँ कहाँ तक इसको बनाया हुआ है। अब इसके अंदर आप सोचिए कितना छोटा लग रहा है, ओ माय गॉड, पूरे घास के बने हुए अलग अलग टुकड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, ये चमड़े के कपड़े, कुछ कुछ नॉर्मल कपड़े, जूते चप्पल, ऐसा लग रहा है आप सोचिए यहाँ पर फैमिली रह रही थी गाइस, बट ये ढहना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लोग देखिए रातों रात भाग गए, पूरा सामान अभी भी पूरा बिखरा पड़ा है, और कितनी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था और प्रॉपर तरीके से लोग यहाँ रहा करते थे, बट अभी पूरा ये हॉन्टेड प्लेस इसको आप बोल सकते हो। 5 मटके, इन सब मटकों में गाइस ग्रेन्स या तेल, खासकर ऑलिव ऑयल को स्टोर किया जाता था, बाकी ग्रेन्स को रखा जाता था। ये आप देखिए अलग अलग लीड है ये, और इसको बांधने की ये कोशिश, और कहीं कहीं पे गुंडी, रस्सी, लकड़ी, और ये मुझे आपको दिखाना था, ये आप देखिए ये गड्ढे, तो इस तरह से ये होल बनाया करते थे 1 2 3, तो अलग अलग अनाजों को, अलग अलग चीज़ों को, लिक्विड कहीं, सॉलिड कहीं,
तो अलग अलग चीजें ऐसे स्टोर करने के लिए। ये जो एरिया देख रहा ना गाइस, ये है सबसे बड़ा शिनिनी का गोरफा जो कि अभी खंडहर में तब्दील हो गया है। उसका रीजन, ये सारे पत्थर अभी आप देखिए कटना स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे ढह रहे हैं नीचे, इस वजह से लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट किए। बट अभी काफ़ी डेंजरस है ये, यहाँ पे लोग आने से मना करते हैं। बट आप देखिए यहाँ पे भी लोग रहा करते थे प्रॉपर तरीके से, पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे मिलिंग की जाती थी ये आप देखिए। तो ये काफ़ी बड़ा चौतरा या आप बोलो कि पूरा ये कटोरी बॉल नज़र आ रहा होगा, और ये है सबसे बड़ा पत्थर जिस पे ऑलिव को रख दिया जाता था और इससे ग्राइंड किया जाता था। अब आप सोचिए ये कैसे चलाते होंगे उस टाइम पे, अभी तो मुझसे हिल तक नहीं रहा है। और ये है लकड़ी जिस पे साचा, इस पे भी कोई चीज़ें फिक्स हुआ करती थी। तो अलग अलग एरिया है ये, देखिए थोड़ा सा चिमनी जैसा आपको फील आएगा। मैं लाइट जला के थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब होपफुली भाई मैं तो अकेले हूँ, कुछ गड़बड़ हो ना यहाँ पे। साढ़े छः बजने वाले हैं और सनसेट आपके सामने है, जिसके लिए मैं आपको वापस दिखाने लाया हूँ। तो एक्चुअली दिन में जब मैं आया था तो 4 बजे अराउंड मैं वापस यहाँ से नीचे चला गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी। और वापस से मैं जैकेट में आ गया हूँ क्योंकि अब ठंडी लगना स्टार्ट हो चुका है, जो विंड है वो ठंडा है। और नीचे सनसेट की वजह से देखिए पूरा वैली जितना भी आप देख रहा है, ये पूरा हिल टॉप एरिया माना जाता है। पूरे नॉर्थ अफ्रीका में जो बबर की कम्युनिटी है वो अलग अलग हिस्सों में रही है, बट शिनिनी ये एक लौता ऐसा विलेज माना जाता है बर्बर कम्युनिटी का, जो अपने एरिया को हिल टॉप पे जाके बनाए हुए हैं। वरना बर्बर के बारे में ये बोला जाता है तो ये अमाजिया वाले लोग हैं। अमाजिया का मतलब अरबिक में होता है फ्री मैन, यानी नोमैड, जो एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी एक फिक्स लोकेशन के ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से हिल टॉप पे इन्होंने अपना पूरा ये शिनिनी का विलेज बसाया हुआ था एंशियन टाइम्स, यानी 12th century, 11th century के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस टाइम से आज तक ये विलेज वैसा का वैसा ही है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना तो शिनिनी की जो हालत है वो काफ़ी बुरी है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे रहने वाले जो भी फैमिली है वो खासकर यहाँ से सिटी सेंटर तुनिश या बाकी सूस एसफाक्स जो मेन सिटी हैं तुनिशिया के, वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिए हैं। इवन कुछ लोग शिनिनी के, मुझे पता चला कि यूरोप वगैरह में जाके जॉब वगैरह को सर्च करना स्टार्ट किए हैं। रीज़न क्योंकि यार यहाँ पे लाइफ स्टाइल आप सोचिए काफ़ी ज़्यादा टफ है पहले के कंपेरिजन में। और बोला जाता है कि 2013 तक तो इस पूरे एरिया में, इवन जो इनका तातविन है वहाँ पे भी इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था। और आज भी ये वाला जो एरिया है ना ओल्ड शिनिनी, ऊपर वाले जो घर हैं वहाँ पे देखिए टावर जरूर लगा हुआ है, बट जो कनेक्टिविटी है सेल फोन की और नेटवर्क की वो काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। और इकलौते वाईफाई सिर्फ वहाँ है, और जो केंजा होटल है आई थिंक उसमें भी वाईफाई नहीं है जो मैंने चेक किया। और पानी की दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, ना कोई स्कूल, ना कोई एजुकेशन सिस्टम, ना कोई हॉस्पिटल, जो बेसिक एनिमिटीज होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी प्लेस पे ही आना काफ़ी अच्छा मैं फील कर रहा हूँ, मतलब मेरे अभी तक की अफ्रीका जर्नी में जितना मैंने प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है उससे ये टोटली अपोजिट है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा प्लेस आप ही का है। शाम के जो नमाज होती है वो जस्ट अभी अदा हुई है, और ये रहा इस ग्रैंड मॉस्क का इवनिंग व्यू। क्या लैंडस्केप, क्या पैनारोमिक व्यू यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे इस शिनिनी विलेज में 120 फैमिली वाला एरिया, 500 बर्बर फार्मर्स कहाँ गायब हो गए, ऐसा इस वक्त मुझे फील हो रहा है। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, डे टाइम पे एक अलग ही वाइब्स थी,
और यहाँ पे दिन में भी जब मैं बोल रहा था और अभी ये जब नमाज अदा हुई है, इसकी आवाज़ आई थिंक पूरे इस वैली में गूंज रही है, इस तरह से फीलिंग मुझे आ रही है। रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं ना, उस तरह से वाइब्स आ रहा है। मतलब आप देखिए, दूर दूर तक अभी पूरे इस एरिया में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। रीज़न, क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम है, शाम का टाइम है, तो सारे लोग अभी खाना पीना खाने के लिए जा चुके हैं। सो गाइस, ऑलमोस्ट 7:31 हो चुका है और अभी डिनर का टाइम है। मैंने आपको बोला कि इफ्तार के बाद का टाइम जो है, तो ऑलरेडी उन्होंने सर्व करना स्टार्ट किया और जो वो दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो वो ला के हमें दी है वो है इनका हरीसा, जो कि पूरे टूनिशिया में आप जहाँ भी जाओगे वो आपको मिलेगा। बट इन्होंने इसमें जो ऑलिव है उसको डिप करके दिया हुआ है। बाकी ये रही अपनी वेज करी या सूप, आप इसको बोल सकते हो एक्चुअली। तो ये मुरक्को में जो मैंने आपको दिखाया था ना कि हरीरा टाइप का वेज सूप जिसमें पीस वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो वो सेम चीज़ है। बाकी ये लोकल फ्रेंच ब्रेड जो मोस्टली हर जगह देखने को मिलेगा और फेंटा। रात के बज चुके हैं और 10 और वापस से मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। ये स्वीट सा, क्यूट सा, कोजी सा अपना बेडरूम इस केंजा होटल का है, शिनिनी बर्बर विलेज में। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा, सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी एडवेंचरस रहा, बट लास्ट में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा मेरे अब तक की अफ्रीका जर्नी में जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। आपको कैसा लगा ये जर्नी, ये ट्रिप, ये शहर, विलेज, बर्बर लाइफ स्टाइल, यहाँ का खाना पीना, इस तरह का केव? तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अब आपसे एक नए वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूं ही ट्रैवल करते रहिए पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, खासकर इस वक्त टूनिशिया कंट्री। सी यू समवेयर ऑन द नेक्स्ट अफ्रीकन रोड टुमारो।